तुम और हमेशा ग्रुप में शिकार करो और शेर अकेले। सलमान खान ने राधे की रिलीज को लेकर सिनेमाघर मालिकों से किया वादा तोड़ दिया, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या होने वाली है राधे की खास बातें और इस पर सिनेमाघरों के मालिकों और ट्रेड एनालिस्ट का क्या कहना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैल। कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर को देखते हुए सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई का अचानक OTT रिलीज को लेकर बड़ा ऐलान हुआ। ऐसी अचानक घोषणा ने सबको चौंका कर भी रख दिया। ईद पर सलमान खान अपनी राधे को ZEEplex पर पे पर व्यू और थिएटर्स में एक साथ रिलीज कर रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक जी स्टूडियोज के चीफ बिजनेस ऑफिसर शरीक पटेल ने कहा कि जहां भी देश में थिएटर्स का ऑप्शन है वहां पर राधे रिलीज हो रही है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिनेमा वैसे भी खुले हैं, इसीलिए जहां भी थिएटर काम कर रहे हैं फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा। सिनेमा और OTT की रिलीज पर शरीक पटेल इस कदम को एकदम सही ठहराते हैं। पिछले साल हमने खाली पीली की रिलीज़ में एक नया प्रयोग किया था और उन्होंने कहा जिसे PVOD के साथ रिलीज़ किया गया था, वहीं उन्होंने दिलजीत दोसांझ और मनोज बाजपेयी की फिल्म सूरज पे मंगल भारी का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हमें ये समझना चाहिए कि फिल्मों पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया है, कोरोना की लहर पिछले साल से जारी है, इसका कोई अंत भी नज़र नहीं आ रहा, ऐसे में आगे इंतज़ार नहीं किया जा सकता, हमें ऐसी स्थिति में हमें विकसित होना है और हर कठिन परिस्थिति का हल ढूंढना है। मशहूर फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श का मानना है कि राधे की रिलीज़ पर फिल्म मेकर्स का एकदम सही फैसला है। इस बिग बजट फिल्म का एक साल की रिलीज़ से इंतज़ार करें, एक साल होने वाला है, हमें कल्पना करनी चाहिए कि कब से इस भारी भरकम फिल्म का नुकसान हो रहा है, ऐसी स्थिति में भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था, किस अंत तक इसकी रिलीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता। तरण आदर्श का मानना है कि इस समय कोरोना के चलते लोग खासा परेशान हैं, तो सिनेमा तो उनके दिमाग में दूर दूर तक नहीं आ रहा, बल्कि सिनेमा उनके लिए अंतिम चीज़ बन चुकी है। सोशल मीडिया हो या अन्य प्लेटफॉर्म, सब जगह महामारी की चर्चा हो रही है, ऐसे में सही समय कब आएगा कुछ नहीं पता, इसीलिए इंतज़ार करना शायद गलत फैसला होता। वहीं फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस विश्लेषक फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस विश्लेषक गिरीश जौहर इस विषय पर अपनी राय रखते हुए कहते हैं कि मौजूदा स्थिति को कई अलग अलग एंगल से देखना होगा, ये समय थिएटर्स के लिए एक बड़ा झटका है, पिछले साल से अब तक हम 1000 स्क्रीन्स खो चुके हैं। गिरीश जौहर का मानना है कि इस समय के लिए राधे फिल्म सिनेमाघरों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह थी, लेकिन अब ये भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर चली गई है, ये फैसला निश्चित रूप से एग्जीबिटर क्षेत्र में बहुत बड़ा और गहरा प्रभाव छोड़ने वाला है। लेकिन सलमान खान ने जैसा वादा किया था थिएटर्स में वो आ रहे, लेकिन साथ ही OTT पर भी आ रहे, तो सलमान ने वादा किया वो तो निभाया, लेकिन पूरा पूरा नहीं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी। आपको कितना इंतज़ार है राधे का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।